बालोद में शहरी इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया है। पुलिस भी पूरी तरह से सख्ती बरत रही है, लेकिन असामाजिक तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पुलिस ने पिछले दो दिनों में जुआ खेलते हुए 34 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए, 19 बाइक, 5 कार और 20 मोबाइल भी जब्त किए हैं। इसमें दो दिन में 4 अलग अलग थानों में कुल 34 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनसे 1,50,370 रुपए की जब्ती की गई है। उसके साथ साथ ही 19 मोटरसाइकिल, 5 कार और 21 मोबाइल की भी जब्ती की गई है। नंदनी थाना इलाके के अहिवारा गांव के दीनाबाड़ी में जुआ के फर पर पुलिस टीम ने छापा मारा और इस छापामार कार्रवाई में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस टीम ने छापामार कार्रवाई में 1,13,000 रुपए नकद और 11 मोबाइल फोन समेत 9 बाइकें भी जब्त की हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि छापामार कार्रवाई में भाजपा नेता और पूर्व संसदीय सचिव का बेटा, कांग्रेस पार्षद और पूर्व पार्षद समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर लापरवाही बरतने पर एसपी ने थाना प्रभारी को नोटिस जारी करते हुए पेट्रोलिंग पार्टी को लाइन अटैच कर दिया है। नंदनी थाना अंतर्गत अहिरवारा ग्राम में एक दीनाबाड़ी है जहां पर कुछ लोग ताश पत्ती जुआ खेल रहे हैं। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मेरे नेतृत्व में वहां पर टीम गई और वहां पर जाने पर कुल 10 लोग ताश पत्ती खेलते पकड़ाए हैं, जिन्हें मौके पर गिरफ्तार किया गया और उनके पास से कुल 1,13,000 रुपए की रकम जो है बरामद हुई है। साथ ही 9 गाड़ियां और 10 मोबाइल जब्त की गई है। बात कवर्धा की होगी जहां पर कोतवाली पुलिस ने जुआ खेलने वाले 8 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पुलिसकर्मी, नगर सैनिक और एक आम नागरिक शामिल है। आरोपी घोटिया रोड के एक निजी मकान में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने जुआरियों से 25,700 रुपए जब्त किए हैं। पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। टीम द्वारा रात को 3 बजे रेड कार्रवाई की है। उस रेड कार्रवाई में 7 पुलिसकर्मी और 1 पब्लिक के आदमी पकड़े हैं, जिनसे 25,700 रुपए की जब्ती हुई। कोरबा में नौकरी दिलाने के